हे गाइस, तो स्वागत है आपका एक ही भी गैलेक्सी चैनल में। एंड गाइस, जब से मैंने ब्लैक एडम देखी है तो मेरे मन में एक ही क्वेश्चन आ रहा है, क्या ब्लैक एडम सुपरमैन को डिफीट कर सकता है? तो आज इसी टॉपिक को मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। एंड अगर गाइस आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे चैनल की वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। तो सबसे पहले इन दोनों कैरेक्टर्स की ओरिजिन एंड पावर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ब्लैक एडम से। तो ब्लैक एडम का रियल नेम है टेथ एडम। कंडाक ब्लैक एडम की बर्थ प्लेस है। तो ब्लैक एडम का बेटा था, उसने वहां के ईविल किंग से सालों लड़ाई की। उसकी ये अच्छाई देखकर रॉक ऑफ इटर्निटी में रहने वाले काउंसिल ऑफ विजार्ड्स के गॉड्स ने उसे अपना सूरमा चुना। फिर बाद में अपने पिता टेथ एडम को बचाने के लिए हुरोत ने काउंसिल ऑफ विजार्ड्स से मिली हुई पावर्स को टेथ एडम को दे दिया, जिसके तुरंत बाद वो मर जाता है। अपने बेटे और वाइफ के मरने के बाद ब्लैक एडम उन पावर्स को अपने रिवेंज के लिए यूज करता है और गुस्से में वहां के किंग और बहुत लोगों को ब्लैक एडम मार देता है, जिसके बाद काउंसिल ऑफ विजार्ड्स उसे वहीं कैद कर लेते हैं। ब्लैक एडम की पावर्स की बात करें तो उसे अपनी पावर्स मिली थी 6 इजिप्टियन गॉड से। स्टैमिना ऑफ शू, स्वीटनेस ऑफ हेरू, स्ट्रेंथ ऑफ एमोन, विजडम ऑफ जिहुती, पावर ऑफ एटोन, करेज ऑफ मेहान। इन सब वर्ड्स के फर्स्ट लेटर को मिला के बना है शज़ैम, जिसे बोलने के बाद टेथ एडम ब्लैक एडम में बदल जाता है। ब्लैक एडम के पास है सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, सुपर हेयरिंग, लाइटनिंग पावर, फ्लाइंग एबिलिटी। ब्लैक एडम डीसी यूनिवर्स का बहुत ही ओवर पावर्ड कैरेक्टर है, काइंड ऑफ इमॉर्टल। यहाँ तक कि जस्टिस ऑफ सोसाइटी के सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर डॉक्टर फेज, जो ब्लैक एडम पर अपने मैजिक से उसे रोकने की कोशिश तो करते हैं, बट ब्लैक एडम उसे कुछ ही देर में तोड़ देता है। बट मूवी में इसकी कुछ वीकनेस भी हमें देखने को मिली है। नंबर वन, ब्लैक एडम से शज़ैम बुलवाकर उसे उसके नॉर्मल फॉर्म में ले आना, जो कि बहुत डिफिकल्ट है, बट जस्टिस ऑफ सोसाइटी ने कोशिश बहुत की थी, बट बाद में ब्लैक एडम ने अपनी मर्जी से शज़ैम बोला था। एंड नंबर टू इज इटर्नियम, जिसके अटैक के बाद ब्लैक एडम को रिकवर होने में अच्छा खासा टाइम लगा था। इटर्नियम ने उसे थोड़ा फिजिकल डैमेज दे दिया था। तो ये थी ब्लैक एडम की ओरिजिन एंड उसकी पावर्स। अब आते हैं सुपरमैन की ओरिजिन एंड उसकी पावर्स पर। तो सुपरमैन एक एलियन है जिसका रियल नेम है काइलेल, जो क्रिप्टॉन नाम के प्लेनेट पर पैदा हुआ था, जिसे उसके पेरेंट्स अर्थ पे भेज देते हैं बिकॉज उनका प्लेनेट खत्म होने वाला होता है, जिसके बाद उसे अपनी पावर्स के बारे में पता लगता है। फिर उसे सुपरमैन का टैग मिलता है। सुपरमैन की पावर्स की बात करें तो इसमें आती है उसकी सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाइंग एबिलिटी, एक्सरे विजन एंड हीट विजन। सुपरमैन डीसी में बहुत पावरफुल कैरेक्टर से फाइट कर चुका है, लाइक डूम्सडे, पूरी जस्टिस लीग। एंड जहां जस्टिस लीग को स्टेफन वुल्फ से लड़ने में बहुत दिक्कत हो रही थी, तो वहीं सुपरमैन ने उसे बहुत हलवे तरीके से मारा था। सुपरमैन की दो वीकनेस है, नंबर वन मैजिक, नंबर टू क्रिप्टोनाइट। एंड क्रिप्टोनाइट किसी के पास हो तो वो सुपरमैन को बहुत आसानी से संभाल सकता है, बट उसके पास बैटमैन जैसा प्रिपरेशन टाइम होना चाहिए। क्रिप्टोनाइट सुपरमैन को फिजिकली बहुत वीक बना देता है। ये थी सुपरमैन की ओरिजिन एंड उसकी पावर। अब बात करते हैं, अगर डीसी यूनिवर्स में ब्लैक एडम एंड सुपरमैन की कभी फाइट होती है तो कौन जीतेगा? गाइस, मुझे लगता है ये फाइट ड्रॉ होगी, बिकॉज इन दोनों को मारना लगभग नामुमकिन है। हाँ, वो बात अलग है, ब्लैक एडम को क्रिप्टोनाइट दे दो एंड सुपरमैन को इटर्नियम, एंड तब बैटल देखने में कहां मजा आएगा। बट अगर इनकी वीकनेस को हटा दें तो बैटल ड्रॉ हो जाएगा, बिकॉज इनकी पावर्स एंड स्ट्रेंथ लगभग सेम है। कुछ कंडीशन में सुपरमैन अच्छा है और कुछ कंडीशन में ब्लैक एडम। वो बात अलग है, सुपरमैन एक दो मुक्के ज्यादा मारते या ब्लैक एडम बिजली के झटके ज्यादा देते, बट आई थिंक मैच टाई हो जाएगा। सो गाइस, आपको क्या लगता है कौन होगा इस बैटल का विनर? मुझे कमेंट करके बताओ। एंड अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी मुझसे पूछ सकते हो, जिसका आंसर मैं तुम्हें आने वाली वीडियो में देता रहूंगा। तब तक के लिए मैं मिलता हूं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।